Hi everyone, my name is Har Singh and welcome to my YouTube channel The Universe Study and Wonders. देश के सभी यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाया जाएगा. ये आदेश हमारा नहीं बल्कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का है, जिसने सभी यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. हालांकि UGC का यह फैसला विवादों में गिरता दिख रहा है. आयोग के इस फैसले की आलोचना करते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि UGC लोगों को शिक्षित करने के लिए बना है या BJP की राजनीतिक हित साधने के लिए. उन्होंने कहा कि क्या UGC 8 नवंबर को गरीबों का निवाला छीनने को सर्जिकल स्ट्राइक दिवस के रूप में मनाने की हिम्मत कर सकेगा. आपको बता दें कि 8 नवंबर वो दिन जब साल 2016 में केंद्र की सत्ता पर काबिज नरेंद्र मोदी सरकार ने देश भर में नोटबंदी लागू किए जाने का ऐलान किया था. सरकार के इस फैसले के तहत देश में 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे. आइए अब आपको बताते हैं कि UGC ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं. आपको बता दें कि 29 सितंबर को भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को चकमा देते हुए सीमा में घुसकर आतंकियों के खिलाफ बड़े अभियान को अंजाम दिया था, जिसमें काफ़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे. लिहाजा UGC ने इस दिन को सर्जिकल स्ट्राइक डे के तौर पर मनाकर सशस्त्र बलों को सम्मान देने का निर्देश दिया है. आयोग के अनुसार इस दिन सेना के बलिदान के बारे में पूर्व सैनिकों से संवाद सत्र का आयोजन किया जा सकता है. विशेष परेड और प्रदर्शनियों के आयोजन के साथ साथ सशस्त्र बलों को अपना समर्थन देने के लिए उन्हें ग्रीटिंग कार्ड भेजने से अन्य कई तरीके की गतिविधियाँ का आयोजन किया जा सकता है. समाचार एजेंसी के अनुसार आयोग ने सभी कुलपतियों को पत्र लिख कहा है कि विश्वविद्यालय की NCC इकाइयों को 29 सितंबर को विशेष परेड का आयोजन करना चाहिए और साथ ही NCC के कमांडर सरहद की रक्षा के तौर तरीकों के बारे में उन्हें संबोधित करें. आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय सेना के बलिदान के बारे में छात्रों को संवेदनशील करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं. ऐसे कार्यक्रमों में पूर्व सैनिकों को शामिल कर छात्रों के साथ संवाद सत्र का आयोजन कर सकते हैं. और हम अपना वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं. और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें. और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो.